वल्लभ नगर जोन के कार्यालय सहायक मोतीलाल मेहरा पर 12,50,000 के गबन का मामला सामने आया है। मेहरा ने राशि को बिजली कंपनी में जमा नहीं किया और वह राशि का उपयोग करता रहा। पिछले 3 साल से वह ये गड़बड़ी कर रहा था, नतीजन उसे सस्पेंड कर दिया है। अब उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। गबन का यह मामला 25 लाख तक जा सकता है, जिसमें अन्य कर्मचारियों के लिप्त होने की भी आशंका है। इसकी शिकायत बिजली कंपनी के एसी आशीष आचार्य के पास पहुंची थी। इसके बाद उनके कार्यालय की टीम ने आईटी टीम की मदद से मेहरा को पकड़ा। ऑडिट व पश्चिम शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल की जांच में पाया कि मेहरा ने नए कनेक्शन की राशि बिजली कंपनी में जमा नहीं करवाई। उसके द्वारा इस राशि से नई कार खरीदने की जानकारी भी सामने आई है। मेहरा 2016 से वल्लभ नगर जोन पर पदस्थ हुआ था। उनके पास नए कनेक्शन व कुछ समय जोन के कैश काउंटर का कार्य भी रहा है। कार्यपालन यंत्री राजीव पटेल ने बताया, प्राथमिक जांच में 12.5 लाख की राशि का मामला सामने आया है। यह राशि नए कनेक्शन की थी। मेहरा को सस्पेंड कर दिया है। मेहरा नए कनेक्शन की राशि कंपनी में जमा नहीं करता था। कनेक्शन देने के बाद फॉर्म पर कैंसिलेशन लिख देता था, जिससे कंपनी के रिकॉर्ड में उक्त कनेक्शन नहीं होना पाया जाता था। एसई आशीष आचार्य का कहना है कि यह कार्रवाई की प्रक्रिया में आता है। अभी चार्जशीट जारी की जाएगी और इसके साथ ही विभागीय जांच भी होगी। विभागीय जांच प्रभावित ना हो, इसलिए उसे बड़नागर भेजा है।